बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको वी कट पर ओवरलैप गला बनाना सिखाऊंगी। देखेंगे, मेरे पास बॉर्डर की एक पट्टी है, ये चिप्स बुकरम है और अब मैं इस पर निशान लगाऊंगी। और 3.5 इंच की मैंने चौड़ाई लेनी है इस नेक की और तकरीबन 5.5 इंच इधर से मैं गहराई लूँगी। फिर मैं 1.5 इंच का एक और नीचे निशान लगाऊंगी ताकि मैं इधर वी कट बना सकूं। और फिर जो मैंने 5.5 इंच का निशान लगाया था उस पर मैं एक बॉक्स बनाऊंगी और फिर इसमें मैं राउंड लाइन डाल दूंगी। राउंड में देखिए, राउंड में मैं लाइन डाल दूंगी और फिर तकरीबन 1.25 इंच का मैं इसमें वी कट लगाऊंगी। एक तकरीबन 1.25 इंच ही चौड़ाई में इसकी पट्टी की उतारूँगी नीचे से साइड से। और ये देखें, ये वी का जो मैं निशान लगाऊँगी ये 1.25 इंच पर लगाऊँगी और फिर इसको वी कट बना दूँगी, वी बना दूँगी मैं इसे। और फिर सब हम 1.25 इंच का इक्वल रखकर हम साइडों से और इसकी सारी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला डिज़ाइन है ये। ये लॉन के सूटों पर आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही प्यारे और आसान तरीके से बनने वाले ये डिज़ाइन हैं। इंशाल्लाह मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत आसान आसान से टिप मिलेंगे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए, अभी मैंने इसे प्रेस से कपड़े पर लगा लिया है और फिर साइड से हम 1/2 इंच का गैप देके कटिंग कर लेंगे। इसे हम चारों तरफ से कटिंग करके फिर हम इसे सिलाई भी कर लेंगे और इसके कॉर्नर जो होते हैं ये वाले, इस पर हम कट के निशान लगाएंगे ताकि नीट तरीके से ये फोल्ड हो जाए। अब मैं इसे सीधी साइड पर रख कर उल्टी साइड पर कपड़ा फोल्ड कर दूँगी ताकि नीटनेस सारी इधर हो। ये कट लगने से हमारे कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। वैसे भी प्रेस बुकरम से हमारी नेक की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों को कोई फरमाइश हो, कोई किसी तरह का भी आप मुझसे सीखना चाहें तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि हमने इस तरह से गला कैसे बनेगा या किस तरह से। मेरी चैनल पर आपको फ्रॉक के, विंटर के, समर के सब डिज़ाइन मिलेंगे और बहुत ही इजी तरीके से बताए गए हुए डिज़ाइन है। ये देखिए, गले पर लगा लिया है मैंने कपड़े पर, सारा चिप्स बुकरम से लगा कर उस पर सिलाई लगा ली है। मैं इसका सेंटर का निशान लगाऊंगी। और शर्ट पर मैंने पहले से ही सेंटर का निशान प्रेस से लगाया हुआ था। ये देखो, बिल्कुल सेंटर में रखकर मैं इसे पिनअप कर लूँगी। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में रखकर मैं इसे पिनअप कर लूँगी और फिर सिलाई से हम बिल्कुल साइड में इसकी सिलाई लगाएंगे। नए सीखने वाले अगर हों तो वो पिनअप वगैरह करके बहुत अच्छी सिलाई कर सकते हैं। और ये देखिए, इधर से मैं अब सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल चिप्स बुकरम के साथ मैंने सिलाई लगानी है। ये मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है सिलाई। अब मैं इसे 1/2 इंच के गैप से मैं ये सारा गला जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लूँगी। इधर कॉर्नर पर भी हम एक कट लगा देंगे और इधर साइडों पर भी हम राउंड जगह पर भी हम कट के निशान लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में इसे मुश्किल ना हो, हमारी कुछ झोल वोल ना आए। ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखा किया कीजिए, इनसे बहुत नीटनेस आती है, बहुत ज़्यादा नीटनेस आ जाती है इससे। ये देखिए, अब मैं इसको प्रेस करके दिखाती हूँ। और ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी पट्टी है जो कि मैं पहले लगाऊंगी छोटी पट्टी। ये देखिए, ये मैं हाफ पट्टी लगाऊंगी इस तरह से, जो कि मैंने तकरीबन 5.5 इंच की ली है। और फिर ये मैं इसी तरह से बड़ी पट्टी लगाऊंगी जो नीचे तक आएगी और बहुत प्यारा वी कट में ये नेक डिज़ाइन बनेगा।
ये जो देखो ये पट्टी मेरे पास है 5.5 इंच की, और बड़ी वाली मेरे पास है तकरीबन 11 इंच की। पहले मैं छोटी पट्टी लगाऊंगी इस तरह से, हल्की हल्की सी, बिल्कुल कॉर्नर पर मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। और फिर इस कपड़े को मैं इस तरह से लूंगी कि ये जो मेरी पट्टी है ये सेंटर में आए, बिल्कुल थोड़ी सी वी से थोड़ी सी आगे हम सिलाई लेंगे ताकि हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में आए। ये देखिए बिल्कुल सेंटर कर लिया मैंने। पहले मैं ये छोटी पट्टी कंप्लीट कर लूँगी, फिर मैं आपको बड़ी पट्टी लगा कर दिखाऊँगी। ये फोल्ड करके सिलाई को मैं इस साइड से लेकर दूसरी साइड पर आऊँगी, जहाँ हमारा वी है कट आया हुआ वी, वहाँ पर हम हल्की सी प्लेट दे देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बहुत प्यारी लगेगी, पता भी नहीं चलेगा। प्रेस से हम अच्छे से जमा लेंगे इसको। ये बहुत इजी तरीके से बन जाती है ये नेक। ये देखिए अब इधर से भी मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी तो बिल्कुल कपड़ा हमारा इधर से नज़र नहीं आएगा। ये देखिए एक पट्टी मैंने लगा ली है छोटी वाली, अब मैं दूसरी साइड पे बड़ी लगाऊंगी। बड़ी पट्टी भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी, थोड़ी सी कॉर्नर से आगे सिलाई लगा के। ये मैं जिस तरह मैंने छोटी पट्टी लगाई, देखो बिल्कुल कॉर्नर इसका दबा दूंगी कि भाई मेरे जो ये जो नीचे वाला है छोटी पट्टी बिल्कुल नज़र ना आए। मैं बिल्कुल सेंटर में लगा रही हूँ, आप देखते जाएं कि बिल्कुल सेंटर है ये। आप प्रेस से इसके निशान लगा सकती हैं, मैंने भी प्रेस से निशान लगाए हुए हैं नेक पर, पूरी पट्टी पर मैंने दरमियान में निशान लगाया था। अब नीचे से फोल्ड करते हुए मैं कॉर्नर बना लूँगी इसका। इससे इजी गला आपको कोई बनाना नहीं सिखाएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये गला आपको बनाना सिखाया है, ये ओवरलैप वाला। इंशाल्लाह मैं आपको और तरह से भी ओवरलैप के गले बनाने सिखाऊंगी, मगर आप देखिएगा कि ये सबसे इजी तरीका है बनाने का। ये मेरी नेक बिल्कुल तैयार हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ अब तैयार होकर कैसी लगती है। किरण आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और कोई फरमाइश भी इंशाल्लाह हम लाजमी पूरी करेंगे। ये देखिए मेरी बहुत प्यारी नेक का डिज़ाइन बन चुका है। ये मेरी शर्ट की बॉर्डर की पट्टी थी जो मैंने इस पर लगाई है नेक पर, ओवरलैप पर लगाई हुई है। देखिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।